योगेश प्रभु, हम कौन से घाट पर हैं? निदया, लोकनाथ गोस्वामी महाराज आए हैं कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग सभी को। सो आज है डे फोर है। वैसे सही बताऊं तो यहाँ पे दिन का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा, वो कब दिन पूरा निकल जा रहा है कुछ भी पता नहीं लग रहा। अभी जस्ट हम अपने रूम से लेते हैं, कुछ लोग मेरे पीछे भी आ रहे हैं और हम लोग अभी जस्ट ईशो ध्यान के बाहर हैं। और देखिए सुबह सुबह का मौसम यहाँ पर, अभी जस्ट वामशी भवन के पास जाकर हम लोग वहाँ सारे गैदर होंगे एंड देन निकलेंगे आज के दर्शन स्थली के लिए। कुछ लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं। सो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ के लोकल ऑटो वाले से बात कर रहे हैं ताकि फिक्स किया जा सके दर्शन के लिए। हम बड़ी गाड़ी कर रहे हैं सो डेट कि सभी लोग एक साथ हो जाएं और ज़्यादा हमें ऑटो बुक ना करने पड़े क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। फाइनली हम सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। योगेश प्रभु, हम कौन से घाट पर हैं? निदया घाट, ये देख सकते हैं आप, निदया घाट पर आ गए हैं। सो हम लोग अभी रुद्रद्रूप के गौड़िया मठ पर आ गए हैं, बाकी ऑटो भी आ रहे हैं, यहाँ से चलते हैं यहाँ के दर्शन करने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग अभी जो दर्शन करेंगे विग्रह के, वो बेसिकली हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा स्थापित भी किए गए हैं और सेवित भी किए गए हैं, तो चल के उनके दर्शन करते हैं। बेलपुकुर है, यहाँ पे घर हुआ करता था नीलांबर चक्रवर्ती का, जो कि सची माता जी के पिताजी थे। तो अभी पीछे मैं रोक के बताना भूल गया अपने रिक्शे में, तो मैंने बताया था, आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर सा आया था बीच में छोटा सा, जहाँ पे दोनों तरफ कोई भक्त का दो भक्तों का वो स्टैचू सा था, और मैंने बीच में बताया था वो नीलांबर चक्रवर्ती जी का घर हुआ करता था सची माता जी के पेरेंट्स का। और ये जो विग्रह आप देखने वाले हैं ये उनके द्वारा सेवित विग्रह हैं। तो इन डीटीज की सेवा सची माता ने और उनके जो पिताजी थे नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने खुद की, जो सामने हम विग्रह दर्शन करें, मदन गोपाल जी, श्री राधा मदन, नीलांबर चक्रवर्ती और सची माता।
पिछली बार बाहर पिछली बार भी कथा सुनी थी किस प्रकार से उन्होंने इस स्थान को प्रकट किया था, प्रकट किया गया था उनके सामने जगन्नाथदास बाबा जी को अपने सर पे लेकर आए थे। तो मैंने आपको बताया था ना एक दिव्य प्रकाश जो उनको दिखा था और जहाँ पे एक था तो वो यह स्थान था और यहाँ पर उनको वो दिव्य प्रकाश दिखा था और फिर वो जगन्नाथदास बाबा जी को अपने सर के ऊपर टोकरे में लेके जालंगी नदी क्रॉस करके इस स्थान पर आए यहाँ पर, और यहाँ पर उतर के जगन्नाथ बाबा जी जो कि लोग अभी जस्ट टेंपल के बाहर आ गए हैं और यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी महाराज आए हैं कीर्तन करने के लिए और उन्हीं का कीर्तन अभी चल रहा है, तो हम आपको अभी दर्शन कराते हैं उनके। है कहाँ महाराज? अरे स्पीकर लगे हुए हैं महाराज कहाँ? वहाँ है वहाँ। तो अभी दोपहर का प्रसाद पा चुके हैं हम लोग और अभी जा रहे हैं हम बस से, यहाँ की जो लोकल बस है उसमें ट्रैवल करते हुए हम जा रहे हैं घाट पर और वहाँ से जाएंगे लीला अस्थली के दर्शन के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाव से दूसरी साइड, ये हमारी नाव है और ये रहे हमारे सारे भक्त लोग।